हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी कैसे हैं आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ़ हेल्प्स ग्रुप इसमें हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे नीड्स देखेंगे ऑफ सेल्फ़ हेल्प ग्रुप फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए और भी हम चीज़ इसमें आगे देखेंगे तो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें ठीक है अगर आप इसी टॉपिक को ढूंढ रहे थे तो आप सही जगह हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ वॉलेंट्री एंड सेल्फ मैनेज ग्रुप ऑफ पुअर वुमेन बिलोंगिंग टू सिमिलर सोशो इकनॉमिक कंडीशन हु सेव्ड अ सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूटिंग टू अ कॉमन फंड वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर हम देखें जब भी हमारे माइंड पे आता है तो हमें रूरल वुमेन से ये डिनोट किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो एक अपना ग्रुप बना लेती हैं ठीक है ठीके? और जो गवर्नमेंट होती है उन्हें स्मॉल स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो ग्रुप बना के अपना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर सके ठीक है जैसे छोटे छोटे अब मैं देखूँगा मोस्टली आपके घर के आसपास बहुत सारे वुमेन होती हैं जो पापड़ या फिर इस टाइप के कुछ नमकीन या फिर इस टाइप का छोटा मोटा बिज़नेस करती हैं तो वही सेल्फ़ हेल्प ग्रुप है जिसमें कुछ महिलाएँ अपना ग्रुप बना लेती हैं और गवर्नमेंट उन्हें नो लोन प्रोवाइड करता है कि आप अपना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करें ठीक है तो इससे आप समझ सकते हैं दस मॉडल ये मॉडल है उमर्ज हुआ था इन 1980 में एंड 1990 में विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर तो ये नेशनल गवर्नमेंट नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड और बैंकिंग सेक्टर एंड एनजीओ एंड इट हैज स्प्रेड इन द entire एंटायर कंट्री और अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अब पूरा का पूरा स्प्रेड हो चुका है एंटायर कंट्री में स्पेशली इन द रूरल एरियाज सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में आपको दिखेगा जहाँ पे सेवेंटी परसेंट ऑफ इंडियाज वन पॉइंट टू बिलियन पॉपुलेशन लाइ लिव रहती है विदाउट एक्सेस टू प्रोडक्टिव एसिड एंड फाइनेंशियल रिसोर्स विद हाई लेवल ऑफ इलिट्रेसी आपने देखा होगा रूरल एरिया में, में बहुत ज़्यादा है और हेल्थ केयर भी इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है सोशल सर्विसेज के लिए अगर आपको वीडियो का रेजोल्यूशन ये क्वालिटी नहीं सही से दिखाई दे रही है तो आप रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर दीजिए ठीक है यूट्यूब में एक फीचर होता है साइट में जाके आप रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आपको वीडियो क्वालिटी सही से दिखाई देगी ठीक है उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टू सेंसिटाइज पीपल ऑफ़ टारगेट एरिया फॉर द नीड ऑफ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले तो देखा जाता है कौन टारगेट पीपल्स हैं और जिन्हें नीड है सेल्फ हेल्प ग्रुप की एंड इट्स रिलीवेंस इन देयर एम्पावरमेंट प्रोसेस और उनके एम्पावर एम्पावरमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रिलीवेंस है ठीक से है सेकेंड है क्रिएट करना फीलिंग्स अमंग मेंबर्स के अंदर फीलिंग्स लाना कि वो एक ग्रुप बनाए थर्ड एनहेंस करना कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ मेम्बर्स का क्या कॉन्फिडेंस जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्या होते हैं स्टार्टिंग में ये सब काम जब रूरल वूमेंस करती हैं तो थोड़ा हिचक उनके अंदर होती है कैसे करेंगे उन कैपेबिलिटी हमारे अंदर है भी है कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए बहुत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनता है उस टाइम पे ज़रूरत है गवर्नमेंट के द्वारा कि उनका कॉन्फिडेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए जो मेंबर्स होती हैं तो इसीलिए फोर्थ है डेवलप करना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग अमंग मेंबर्स ठीक है कलेक्टिव डिसीजन जो हैं मेम्बर के द्वारा जो बनाया जा रहा है उसको डेवलप करना किस तरह से अपने डिसीजन को अच्छा बना सके वो फिर फिफ्थ है इनक्रेज करना हैबिट ऑफ सेविंग कि जो भी उन्हें अर्न हो रहा है वो सेव कर पाएँ अमंग मेम्बर्स एंड फैसिलिट द एक्यूमिलेशन ऑफ देयर ओन कैपिटल और फिर अपना ओन कैपिटल को अक्यूमलेट कर पाएँ ठीक है रिसोर्स बेस सिक्स है मोटिवेट करना मेम्बर को टेकिंग अप सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर्टिकुलर रिलेटेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीज को मोटिवेट करना उनको ठीक है इसके लिए नीड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या जरूरत है सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्यों बनाया जा रहा है ये ग्रुप रूलर वोमेंस के लिए तो सबसे पहला रीज़न इसका ये है टू एम्पावर एम्पावरमेंट करना दिस सेशन थ्रू क्रेडिट लिंकेज मतलब उनको क्रेडिट प्रोवाइड करके उनको एम्पावर करना सेल्फ हेल्प ग्रुप आर हाईली रिलीवेंट टू मेक द पीपल ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन होपफुल ताकि uh, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो पीपल्स हैं उनको होपफुल करना सेल्फ रिलायंट बनाना खुद पर डिपेंडेंट होना सेल्फ हेल्प ग्रुप एनेबल करता है दैम टू इंक्रीज दर इनकम कि उनकी इनकम इंक्रीज़ हो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका जो रहन रहन सहन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए ठीक है स्टेटस इन सोसाइटी और स्टेटस भी इम्प्रूव हो सेकेंड है ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट फॉर ब्रिंगिंग दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू मेन स्ट्रीम कि इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके ठीक है थर्ड है दे हेल्प इन एक्सेसिंग क्रेडिट टू पुअर जो पुअर पीपल होते हैं उन तक क्रेडिट को एक्सेस कराना इस्पेली वुमेंस तक ये डिस एम्पावर वुमेन एंड गिव दैम ग्रेटर वॉइस इन सोसाइटी ताकि उनकी भी वॉइस सुनी जाए सोसाइटी में क्योंकि मोस्टली हम देखा होगा वुमेन्स की जो आवाज़ है उसको दबाया जाता है और रूरल वूमेंस में क्योंकि वो इलिटरेड होती हैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने से क्या होता है वो अपने लिए खुद डिसंस ले सकती हैं अपनी वॉइस खुद आ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना ग्रुप में क्या होता है आप खुद ही सोचिए अगर आप आ, किसी पर डिपेंडेंट हैं और एक साथ आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी वॉइस ज़्यादा सुनी जाएगी अगर आप डिपेंडेंट हैं आप कुछ कर पा रहे हैं तो आपकी एक अलग से वॉइस होगी क्योंकि आपके पास क्रेडिट होगा क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आप अपने कैपिलस को पहचानेंगे ठीक है तो ये सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी ध्यान दिया है ठीक है फोर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वैसे जो मैं आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रही हूँ आप चाहे तो लिख सकते हैं आप चाहे तो अपने हिसाब से क्योंकि आपको पता है कि बहुत जो टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप एक हम सबसे ही जुड़ा हुआ है ठीक है तो हम क्या देखते हैं हम क्या आपको लगता है क्या कमी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है जो लिखा है उसी को करना नहीं आप अपने हिसाब से भी देखिए आपका इन्वामेंट में ठीक है क्या आपको देखने को मिलता है इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने बहुत सारी वोमेंस को देखा है जिनका ग्रुप है जिस टाइप के पापड़ बेचती हैं कुछ आई थिंक मेला लगता है तो उसमें वो जाते जाते हैं और अच्छा खासा अन करके आते हैं इन सब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है वो और लोगों को भी बताती हैं और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की है आपने भी नोटिस की होगी तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग uh, लिख सकते हैं इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपने अकॉर्डिंग uh, जो भी आपने देखा है वो क्या लिखते हैं uh, क्योंकि हमेशा कॉपी पेस्ट करना कभी याद रहता भी है कभी नहीं भी रहता है लेकिन जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं जनरली तो वो चीज़ हमें, हमें हमेशा याद रहती है और uh, मैं तो ये कहूँगी कि इसको पढ़िए लेकिन अपने स्तर पर समझिए चीज़ों को और क्योंकि उससे हम अच्छा लिख सकते हैं आ, वैसे आ, बाकी आ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे लिखना है आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं खुद के जो क्या होता है एग्ज़ाम में कभी कभी भूल जाते हैं कुछ लाइन तो हम अपना एड ऑन कर सकते हैं लाइन को ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आप कुछ बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो देख लेते हैं ठीक है क्या क्या मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप आने से क्या क्या हमें बेनिफिट मिला ये भी कह सकते हैं फ़र्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा देखा गया है ठीक है रूरल एरियाज़ में भी देखा गया है अर्बन एरियाज़ में भी देखा गया है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं या अर्बन एरियाज में भी होते हैं ठीक है uh, कुछ लोग जुड़े भी हो सकते हैं इससे कुछ लोग हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक लिखा हुआ ही एग्ज़ाम uh, में लिख के आएँ अगर आपने अपने आसपास देखा है तो आप उसको और अच्छे से लिख सकते हैं ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में जेंडर इक्वलिटी कंसिडर की जाती है हमारे स्टोन ऑफ डेवलपमेंट के लिए बिकॉज वुमेन एंड मैन आर इक्वल इन सोसाइटी और इसकी वजह से पॉवर्टी भी रिड्यूस होती है क्योंकि इसमें सिर्फ uh, जो मेल मेंबर हैं वही नहीं कमा रहे हैं और फीमेल भी कमा रही हैं ठीक है ओके सेकेंड है सोशल इंडियाज इज सोसाइटी वेयर पीपल आर रैंक अकॉर्डिंग टू फैमिलीज कास्ट रिलीजन सेल्फ हेल्प ग्रुप आर नेसरी टू ओवरकम एक्सप्लाइटेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस पर्टिकुलरली अमंग वूमेन हुआ आर मोस्टली इन्विजिबल इन द सोसाइटी ठीक है सोशल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मोस्टली इन्विजिबल टाइप का होता है थोड़ा बहुत ठीक है वैसे अभी अभी तो कम है इतना पहले बहुत ज़्यादा था थर्ड फाइनेंशियल और टाइप ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि माइक्रो लोन ठीक है सेविंग इंश्योरेंस प्रोवाइडेड टू लो इनकम हाउस होल्ड जिनकी हाउस होल्ड इनकम कम होती है उनको प्रोवाइडेड की जाती है एंड इंटरप्राइजेस सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिडर एज अ मॉडल और व्हीकल टू डिलीवर दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द पुअर फोर्थ प्रेशर ग्रुप्स कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर्क एज अ प्रेशर एंटिटीज टू एड्रेस करने के सोशल इशू ठीक है क्या क्या इश्यूज हैं तब भी लाया जाता है ठीक है आगे आते हैं इसमें एजुकेशन के बारे में हेल्थ के बारे में लैक ऑफ एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज इन सब के अगर कोई इस टाइप का इशू है तो उसमें भी ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह वर्क करते हैं फिफ्थ अवेयरनेस ऑफ ग्रुप द ग्रुप विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग मैंबर्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ मैंबर्स टेक प्लेस इसमें एम्पावरमेंट होता है जितने भी मैंबर्स होते हैं और अवेयरनेस फैलाई जाती है इसके थ्रू द मेम्बर्स विल हैव टू नो द पर्पज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्यों ग्रुप फॉर्म किया गया है ठीक है क्या क्या उसमें हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं होता है इसमें और भी चीज़ अवेयरनेस दी जाती है फीमेल्स को क्या क्या और नया कर सकते हैं कैसे अपना जो एरिया है उसमें एजुकेशन हेल्थ इन सब के रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसमें कैसे बात कर सकते हैं ठीक है उससे रिलेटेड भी इसमें बात होती है तो इसीलिए जो मेम्बर होते हैं उनको पर्पज़ बताया जाता है कि हम जो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म की जाएंगी उनका सेल्फ जो पर्टिकुलरली डेवलपमेंट किया जाता है एक्टिविटीज़ ऑपरेशन uh, कैसे उन्हें सेविंग करना है कैसे क्रेडिट उन्हें प्रोवाइड होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट से उन्हें कैसे क्रेडिट लेना है सेट्रा लोन कैसे लेना है ठीक है ये सब है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं आपको पता है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है तो चैलेंजेस भी आएंगे सीधी सी बात है फर्स्ट है सम सेल्फ हेल्प ग्रुप डो नॉट प्रोवाइड कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करते वुमेन को इनफ ट्रेनिंग ठीक है मतलब कि स्टार्टिंग में तो बोला कि हाँ ट्रेनिंग मिलेगी ऐसा है लेकिन उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन जो हैड है मान लीजिए जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि ट्रेनिंग देना है और भी मेंबर्स को क्योंकि आपको पता है कि अब रूरल एरिया से कोई वुमेन आ रही है तो इतना ज़्यादा उससे आइडिया नहीं होगा क्या करना है कैसे करना है तो हम भी जब स्कूल में जाते हैं अगर हमें टीचर सही से गाइड ना करें कि हमें कैसा करना है कैसे पढ़ना है और स्टार्ट कैसे करना है सीधी सी बात है हमें भी कैसे आएगा तो इसीलिए अगर इनफ ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड नहीं होगी इफेक्टिवली तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उनका उस तरह से नहीं हो पाता है फॉर दाउस होल्ड सेकेंड लैक ऑफ़ एफर्ट्स बाय बैंकर्स टू आइडेंटीफाई एन जी ओ कौन कौन से एन जी ओ हैं तो उनके बैंक के द्वारा भी लैक ऑफ एफर्ट्स अगर होते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन कौन से एन जी ओ हैं बिल सेविंग एंड क्रेडिट ग्रुप्स थर्ड लैक ऑफ एन जी ओ ऑलरेडी वर्किंग बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एन जी ओ हैं ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ फोर्थ है पोअर फैमिलीज़ आर नॉट बिंग बेनिफिटेड पुअर फैमिली बेनीफिट कभी कभी नहीं होती है मेनली बिकॉज ऑफ़ द लैक ऑफ़ इंडिपेंडेंस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड इंडिपेंडेंस होती है दे आर फेयर इग्नोरेंस ठीक है उन उनको डर होता है उन क्योंकि इग्नोर हो सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पावरलेस होती हैं तो पावर नहीं होती हैं तो सबसे ज़्यादा सब कुछ खेले हैं फेयर का डर कि भैया हम कैसे जा सकते हैं क्या होगा क्या सिखाया जाएगा कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं करते होंगे मैंबर नहीं बनते होंगे देर आर लॉस ऑफ थिंग लॉस ऑफ चैलेंजेस वैन फेस बाय दीज पीपल नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखते हैं ठीक है फर्स्ट है टू ऑपटेन डिजायरेबल एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू टेक फुल एडवाटेज ऑफ बूमिंग सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर फोकस कर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है फोकस करता है मैनुफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स पे सेकेंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में बी प्रमोटेड टू विलेज क्लस्टर सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन में थर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप कन्सेप्ट शुड टारगेट करना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन में होलिस्टिक मतलब फुल डेवलपमेंट होना चाहिए इसका कन्सेप्ट ठीक है फोर्थ इफिशंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय क्वालिफाइड एंड डेगिनेटेड बॉडी मतलब कि इनको इफेक्टिवनेस इनकी इफिशेंसी को रेगुलरली क्या करना चाहिए मॉनिटर करना चाहिए बाय क्वालिफाइड मतलब कि जो भी इनको चीज़ें सिखा रहे हैं ठीक है ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर क्वालिफाइड और डिजिनेटेड बॉडी होनी चाहिए टू गिव करेक्टिव इनपुट वन एवर नेरी एज वेल एज इंकरेज द डिजर्विंग वंस जो डिजर्विंग वन है उनको और ज़्यादा इंक्रेज करना ठीक है ये भी ज़रूरी है फिफ्थ वुमेन शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड वुमेन को प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए सो दैट दे विल इनहेंस द कैपेबिलिटी टू मैनेज कम्युनिटीज़ एंड मैनेज कम्युनिटी प्रोजेक्ट और जो कम्युनिटी उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको मैनेज करना ठीक है उनकी कैपेबिलिटी को मैनेज करना तो इसके लिए भी वुमेन को प्रॉपर्ली एजुकेट करना ज़रूरी है अगर वो अच्छे से एजुकेटेड नहीं होगी और उसको अच्छे से समझा नहीं जाएगा जो भी उसको वर्क करना है तो क्या हो सकता है वो घबरा सकती है ठीक है घबरा सकती है या फिर मना कर दे क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार आपने कोई काम नहीं किया है आज से पहले और आपको एकदम से वो काम दे दिया जाए भले ही ट्रेनिंग दी जाए लेकिन जब आप फील्ड पे उतरते हो तब एक्सपीरियंस अलग होता है रदर देन जस्ट आप खुद ही देखना ठीक है कोई चीज़ आपने बुकिश पढ़ी और आपको कह दिया कि एक बार चलो फील्ड पर चलते हैं इसको करने के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो उसको करने पे और बजाय कि आपने जो बुक्स में पढ़ा है उसको करने पे बहुत ज़्यादा गैप होता है बहुत ज़्यादा एक बार हमारा कहता है कि जोग्राफी का प्रोजेक्ट था ठीक है जोग्राफी का प्रोजेक्ट था आ, मेरी बीए में जोग्राफी थी तो प्रोजेक्ट था तो हमने पढ़ लिया था ठीक है चलो पढ़ लिया लेकिन व्हेन ले वी गो फॉर सर्व सर्वे Hazard, ठीक है जब हम सर्वे के लिए गए अब डोर टू डोर हमें सर्वे लेना था उनका ठीक है कितना राइस प्रोडक्शन होता है कितना वीट का प्रोडक्शन होता है कितना कर लेते हैं मतलब पर्टिकुलर एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि हमने पूछने में सब कुछ और क्योंकि जब आप रूरल एरिया में जाएंगे तो एकदम से आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है कहाँ से आए हैं एकदम से डर जाते हैं कहाँ से आए हैं क्या हैं तो इसी दोनों में फ़र्क है तो ये तो छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लन कर दिया इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा तो इसीलिए अगर हम प्रॉपरली प्रिपेयर होकर नहीं जाते उस दिन जिस तरह से हमें मैम ने थोड़ा ट्रेन किया था तो हम क्या कर सकते थे uh, हो सकता था हम नहीं कर पाते अपना प्रोजेक्ट पूरा विद इन अ टाइम क्योंकि हमारे पास फिक्स टाइम था उसको कंप्लीट करने का ठीक है इसी लिए प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर ट्रेनिंग चीज़ों की होनी चाहिए और सपोर्ट भी होना चाहिए ठीक है चलिए तो लास्ट बदल नॉट द लीस्ट इसमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड तो वो हम देख लेते हैं इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है ठीक है हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं <laughs> लेकिन इंफॉर्मेटिव uh, है वीडियो ठीक है मैंने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया और आपको लगता है जेनविनली कि इसमें मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो जिन्हें जरूरत है मतलब ठीक है फर्स्ट दीन है दीनदयाल अनंतया योजना ठीक है फर्स्ट है नेशनल रूरल रेबलीहुड मिशन है ये डे एन आर एल एम ठीक है इसका जो ऑब्जेक्टिव इस है इस मिशन का यही है ऑर्गेनाइज करना रूलर पुअर वुमेन को इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप कंटिन्यूसली नेचर करना सपोर्ट करना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टिल दे अटेंड अप्रिशल इनकम जब तक उनकी इंक्रीज ना हो जाए इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे सेकंड प्रोग्राम एम करता है कि इन्श्योर करना की एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर जो है रूलर पुअर हाउस होल्ड में अबाउट नाइन करोड़ इज अबाउट टू इज अबाउट ब्रॉट इनटू द फोल्ड ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द फेडरेशन विद इन डिफर डिफरनाइट टाइम फ्रेम ठीक है डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर वो होनी चाहिए इसमें उसके बाद कुछ और भी स्कीम्स है दीनदयाल अनुदय योजना नेशनल अर्बन रोडलीड मिशन नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड लास्ट नॉट द लीज नारी टू नारायणी बजट 2019 में आया था निर्मला सीताराम हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया था इसे ठीक है अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो करूं तो प्लीज़ कमेंट डाउन ठीक है अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा तो नारी टू नारायणी के ऊपर मैं पूरा फुल लेंथ वीडियो बना सकती हूँ मैं ठीक है इसमें क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने दिए थे बजट के ऊपर टू पे तो अगर आप चाहते तो मैं ज़रूर बनाऊँगी ठीक है वन आई एंजॉय दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू